विद्रोह समाप्ति के बाद अंग्रेजों को डर हो गया कि दोबारा ऐसा विद्रोह मत हो जाए, तो पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? पील आयोग। पील आयोग से कहा गया कि बताइए कि यह विद्रोह क्यों हो गया था और फ्यूचर में ऐसे विद्रोह को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए पील आयोग ने कहा कि कंपनी की गलत नीतियां, जो पहले एक प्राइवेट कंपनी के रूप में व्यापार करने आई थी, उसने राजा से समझौता किया था कि हम व्यापार करेंगे और आपको एक टैक्स के रूप में बहुत अच्छा धन देंगे, बदले में हमारी रक्षा आप कीजिएगा। ससुरा जितना टैक्स नहीं दिया ओकरा से ज़्यादा हमरा पिटा के कुचवा दिया 1857 की क्रांति में, अतः कंपनी पर लगाम लगाइए। दूसरा, भारत में पठानों को और गोरखाओं को ज़्यादा सेना में भर्ती कीजिए, पंडितों को और राजपूतों को सेना में कम रखिए। काहे के लिए कि राजपूत सब लड़ाई लड़ देता है सर, और पंडित जी दिमाग लगा के उकसा देता है, लड़ जो आई क्या कर जाएगा, लड़ जाएगा यहाँ पर, इसलिए इनकी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और नेपाली गोरखों की संख्या भर दीजिए और पठानों की संख्या को बढ़ा दीजिए। मुसलमान में कहता है सर पठान को दिमाग नहीं होता, ऐसे बोलता है सर। अरे ऐसा नहीं है, मजाक मजाक में बोलता है सब। हमारे मेरी मम्मी शेख हैं और पापा पठान, तो वंशज तो पठान, मम्मी कहती है कि दिमाग है आप लोग के पास। तो कहती है पापा को भी पठान शैतान होता है। आपस में कभी कभी लोग बनेगा लोग ना, उनको बोलेंगे उनको बोलेंगे, हम लोग मजा लेते रहते लड़िए। और हम लोग कभी कभी पापा कमजोर पड़ेंगे तो कभी पापा की ओर से, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा, मम्मी कमजोर है एकदम, 1857 की क्रांति चलता है। अफगानिस्तान में पठान भरा है सब, देख रहे क्या किया सब अफगानिस्तान में, कोई बुद्धि उद्धि नहीं, मारो सीधे से, कौन अमरीका हो चाहे रूस हो, कौन मारो यहाँ पे सीधा, यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं गया। अमेरिका का जहाज गया तो जॉर्जिया पे लटक के चल गया, जबकि ऊपर टेम्परेचर -60 हो जाएगा, 72 अच्छा बर्फ से निकल जाएगा, बहुत लोग मर गए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो पठानों को सेना में क्या करो, भर्ती करो, क्योंकि पठानों में क्या है कि एक लीडर बना लेते हैं ये अपना, उस समय की बात है, अभी कौन, अभी जाति के हिसाब से कुछ रह गया है,